हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यार मेरे हेयर देखो कितने घटिया हो रखे हैं। और आपने थंबनेल में देख लिया होगा मैंने अपने हेयर्स कैसे थे और कैसे कर दिए, तो आज मैं आपको वो ही दिखाऊंगा। काफ़ी इजी तरीका है, आपको बस उसके लिए एक ऑयल चाहिए, एक वाटर वाला आपको स्प्रे चाहिए और एक कॉम्ब चाहिए, उससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आइए जल्दी चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये स्प्रे, हेयर स्प्रे ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर कोकोनट ऑयल है पैराशूट वाला, आप चाहे तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास डाबर आमला ऑयल है, आप चाहे तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंपली एक कोम्ब है, तो इनसे मैं आपको बना के दिखाऊंगा। चलिए जल्दी से बना के दिखा देता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हमें अपने हेयर्स को अच्छे से वेट कर लेना। देखिए मैं अपने हेयर स्प्रे से अच्छे से अपने हेयर्स जो हैं वेट कर लूँगा। आपके हेयर जो है काफ़ी बेटरली हो जाने चाहिए वेट, अच्छे से नहीं हुए तो आपका जो है जो स्टाइल है ये नहीं बनेगा। हर जगह से होने चाहिए, अगर हर जगह से नहीं होंगे तो आपके हेयर जो है बहुत ही घटिया बनेंगे, कहीं से जो है वेट रहेंगे और कहीं से वेट नहीं होंगे। तो आप अच्छे से वेट कर लीजिए, काफ़ी अच्छे से हो गए हैं मेरे वेट, मगर मैं इसे और करना चाहता हूँ तो मैं और भी कर लूँगा। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हेयर जो हैं काफ़ी अच्छे तरीके से वेट हो चुके हैं, और कैमरा भी वेट हो गया। देखिए मैंने ये कर लिया अच्छे से, आप देख सकते हैं। एक बार और कर लेता हूँ थोड़े से, जितने अच्छे से करेंगे उतना अच्छा बनेगा, मेरी बात मानो आप, जितने अच्छे से वेट करेंगे उतना अच्छा बनेगा। और अब आपको अपने हेयर जो हैं सुखाने नहीं है, आप सुखा देंगे तो बनेगा नहीं, आपको गीले बालों में जो आप ऑयल लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए। मेरे को ये डाबर आमला वाला काफ़ी अच्छा लगता है तो मैं ये यूज़ करूँगा। मैं इतना डाबर आमला का ऑयल ले रहा हूँ, दिख नहीं रहा शायद, इतना ले रहा हूँ। और गाइज अब मैं इसे अप्लाई करूँगा अपने हेयर्स में, जहाँ पर आप करना चाहते हैं आप वहाँ करिए। इसे लगाने के बाद आपके जो हेयर्स हैं वो लाइट हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये जो है आपके पानी को सूख लेगा ये ऑयल जो है। अब जो है हमें नॉर्मल टाइप मसाज करनी है, ऐसे ऐसे, जितना भी आपके हेयर्स में वाटर होगा वो चला जाएगा। उतनी देर करनी है जितनी देर आप कर सकते हैं। देखिए मेरे हो चुके हैं। एंड अब हमें कॉम्ब लेना है, और अब जो है हमें अपनी बीच की मांग निकालनी है। जैसे हमें पहले हम इसे यूं कॉम्ब कर देंगे, नॉर्मली हम जैसे कॉम्ब करते हैं हम इसे वैसे कर देंगे। और सॉरी गाइस, बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना, हमारे यहाँ पर काम चल रहा है तो हो रहा है थोड़ा सा। देखिए आपको यहाँ पर बीच में एक लाइन सी ड्रॉ कर लेनी है कॉम्ब से। देखिए मैंने इसको कॉम्ब कर लिया। अब हमारे जो अपर हेयर्स हैं हम उनको ऐसे ऐसे करेंगे कॉम्ब। पहले देखिए ऐसे, ये जो छोटी वाली डंडी है हम यहाँ से यूज़ करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, हल्का हल्का ऊपर करेंगे। अब हमारे हो गए हैं सामने से, अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो हेयर्स हैं उनको हम ऐसे कर देंगे पीछे, और फिर ऐसे हाथ लगा के रखेंगे थोड़ी देर, क्योंकि ये हेयर जो होते हैं आप उन्हें ज़िद्दी मान लो होते नहीं हैं जल्दी से।
अब हम इन्हें ऐसे कर लेंगे। सो गाइज, आप अब मेरे हेयर्स को देख सकते हैं, पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए, बताना कैसे लग रहे थे। और मैं तो अभी ऐसे ही कॉम करता हूँ, और जब मेरे बड़े हो जाएंगे ना तो मैं आपको एक नया हेयर स्टाइल सिखाऊंगा। देखिए काफ़ी इजी स्टाइल था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक मिनट, एक थंबनेल ले लूँ मैं। बाय।